गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्रैश कोर्स के बारे में बताने जा रही हूँ। जो आप लोगों को पढ़ाई हो चुकी है उसका ये निचोड़ है, जितनी भी क्लासेस हुई हैं उसके बारे में मैं आपको फिर रिपीट करने जा रही हूँ। लिविंग थिंग्स पहला टॉपिक है, लिविंग थिंग्स का मतलब होता है जो सांस लेते हैं, बढ़ते हैं, खाते हैं। नंबर वन पे लिविंग थिंग एज लाइक काउ, एज फॉर एग्जाम्पल काउ, मैन, डॉग एंड ट्री। These are living things का हम लोग डिटेल्स में माधवी मैम ने आप लोगों को क्लास में पूरा डिटेल्स में समझाया हुआ है, मैं उसको आपको शॉर्ट में करके समझा रही हूँ। काउ COW काउ, MAN मैन, DOG डॉग, ANT एंड TRE ट्री। Then next topic, non-living thing. Non-living things are not grow, not eat, not move. As like example, CFP cat. टोपी तो कुछ खाती नहीं है, ना आगे बढ़ती है। And pen. CUP कप, BAG बैग, LAMP लैंप। दीज थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स, दीज थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। ये ना खाते हैं, ना बढ़ते हैं, ना एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स। द नेक्स्ट टॉपिक बर्ड्स नेम। बर्ड्स की क्वालिटी भी आप लोगों को लास्ट क्लास में माधवी मैम ने बताई थी। वो आकाश में उड़ते हैं, पानी में भी रहते हैं और हर तरह के बर्ड्स होते हैं। कोई बर्ड्स बिग भी होते हैं और कुछ बर्ड्स ऐसे भी हैं जो कि उड़ते नहीं। CROW क्रो, DUCK duck, PIGEON pigeon, crow means कौवा, duck means बत्तख, pigeon means कबूतर, eagle means चील, Owl means उल्लू। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वाइल्ड एनिमल्स, जो कि मैम ने आगे लास्ट क्लास में इसको आप लोग को एक्सप्लेन किया था। जो जानवर जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, दीज आर वाइल्ड एनिमल्स। जो एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं उसको हम लोग वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं। और वाइल्ड एनिमल्स से लोग थोड़ा सा अपना बचाव करना चाहते हैं कोई भी चीज के लिए, और उससे लोग डरते भी हैं। और इसको वही सब जानवर सब जंगल में रहते हैं। एज लाइक एलिफेंट मीन्स हाथी, फॉक्स मीन्स लोमड़ी, लॉयन मीन्स शेर, टाइगर मीन्स बाघ, जैकाल मीन्स
जैसलमेर या जंगल में रहते हैं या हम लोग इनको जू में भी देख सकते हैं। कुछ जानवर जो हैं हमें इससे चिड़ियाघर में भी देखते हैं। ओके नेक्स्ट टॉपिक ट्रीज। नेक्स्ट टॉपिक ट्रीज। ट्रीज जो बहुत ही विशाल होते हैं, बहुत ही बिग होते हैं, उनकी उडी स्टेम होती है और वो बहुत ही बिग रूप में होते हैं। एज लाइक नीम पेड़, नीम ट्री को विशाल पेड़ कहा जाता है। नीम ट्री, बनियान ट्री, बनियान ट्री यानी बरगद का पेड़, बनियान ट्री यानी बरगद का पेड़, बनियान ट्री यानी बरगद का पेड़। उसके बाद नेक्स्ट है पीपल ट्री। नेक्स्ट पीपल ट्री, नेक्स्ट पीपल ट्री। उसके बाद कोकोनट ट्री, नारियल का पेड़ बहुत ही ऊंचा विशाल होता है, कोकोनट ट्री। नेक्स्ट शीशम, ये लकड़ी होती है, इससे फर्नीचर बनता है, शीशम ट्री। लास्ट टिक ट्री, दीज आर वुडी स्टेम एंड अ बिग ब्रांच विथ स्ट्रॉन्ग रूट, दीज आर ट्रीज नेम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक डोमेस्टिक एनिमल्स। नेक्स्ट टॉपिक डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल जो हम लोग अपने बेनिफिट के लिए उसको पालते हैं, दीज आर डोमेस्टिक एनिमल्स, जैसे कि काउ, शिप, कैमल, हॉर्स एंड अदर एनिमल्स। ओके फर्स्ट काउ, नेक्स्ट बुफेलो, कैमल। कैमल को हम लोग डेजर्ट का शिप भी बोलते हैं, कैमल को डेजर्ट का शिप बोलते हैं। ये हमारे सवारी के काम में या लोड ढोने के काम में या अदर वर्क के काम में आता है। शिप, कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। नंबर फोर हॉर्स, नंबर फाइव गोट, नंबर सिक्स हम लोग को मिल्क भी देता है और मीट भी लोग खाते हैं उसका। और स्लाइडिंग के काम में आता है, कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। बफेलो भी मिल्क देता है, ऑक्स, और ऑक्स हमारे खेती के काम में
ऑक्स हमारे खेती के काम में आती है, हल चलाने के काम में ऑक्स आता है। ओके एवरीवन, दीज आर योर क्रैश कोर्स, दीज आर योर क्रैश कोर्स, यू रिवाइज एंड बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, कंसर्न योर हेल्थ। ओके, बाय, टेक केयर, वी विल मीट योर नेक्स्ट क्लास।